उसके बाद देखा कि यहाँ पर मतलब नीचे जो फ्लोर था सेकंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर पर आग लगी थी। आग लगने का मुख्य कारण था कि जो लाइट के मीटर होते हैं अपने वो चार पाँच छः सात जो मीटर का ग्रुप था वो एक साथ लगा हुआ था, तो उनमें शॉर्ट सर्किट होने की वजह से पूरा बिल्डिंग का जो है पूरा शॉर्ट सर्किट हो गया और पूरे बिल्डिंग में धुआं हो गया था। बाकी सर क्लास ले रहे थे तो वो जब तक सबको बाहर नहीं निकाल दिए तब वो लास्ट में बाहर। हाँ, अखिल सर जो थे, अखिल सर को जो है स्टाफ ने बोला था कि सर आप पहले निकल लीजिए, तो अखिल सर ने बोला कि मैं जब तक पूरे बच्चे नहीं जाएंगे जब तक मैं नीचे नहीं जाऊंगा, क्योंकि सबको देखिए डर होता है, कभी भी होता है, घबराहट होती है, तो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, समझ नहीं पाते, वही बात है। तो अगर वहाँ से होते तो ये भी शायद किसी को कुछ नहीं होता, क्योंकि ऐसी यहाँ कोचिंग है, एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए जरूर आएंगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही होगा कि आज करीब 12 बजे मुखर्जी नगर में क्लासेस चल रही थी जहाँ पर कि शॉर्ट सर्किट हुआ, और जो भी हुआ हो वो तो अभी पुलिस जांच वगैरह कर रही है, जो भी सारी चीज़ें हैं वो सामने आ जाएंगी जांच के बाद। और अभी हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि वहाँ पर थे, इन्होंने देखा है कि किस तरीके से घटना हुई है और काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स हुई हैं, बट ये लोग सारी चीज़ें बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं, किस तरीके से हुई हैं। हालांकि संस्कृति IAS का वहाँ पर क्लास चल रहा था उस टाइम पर और कोई भी क्लासेस नहीं चल रहे थे, तो संस्कृति क्लासेस के जो भी स्टूडेंट थे वही मेजरली वहाँ पर थे, और संस्कृति का जो भी स्टाफ था उन्होंने पूरी कोशिश करी है। साथ ही साथ वहाँ पे अभी हमने स्टाफ से बात करी संस्कृति, उन्होंने जो भी हॉस्पिटल में स्टूडेंट्स को जो भी प्रॉब्लम हुई है, जो भी अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं दिल्ली के, वहाँ पर उनको एडमिट करवाया है, और कोई भी किसी भी प्रकार की दुखद घटना नहीं है, जैसे कि कैजुअल्टी वगैरह नहीं हुई है। सो अभी हम इनसे बात करें, आपका नाम क्या है? अंकित सिंह। सो आज अभी आपने जब ये सीन को पता चला तो आप कहाँ पर? मैं यहीं पर था, दरअसल मेरी क्लास होती है, तो जहाँ पता चला कि आग लग गई तो हम लोग क्लास छोड़ के हम लोग भाग गए थे, तो यहीं पर हम लोग थे, तो देखे तो बहुत भयंकर धुआं उठ रहा था बाहर, दरअसल हम लोग बाहर क्लास में थे, तो क्योंकि बीच में छूटा हुआ था तो हम चले आते हैं, देखे तो प्रशासन को हम लोगों ने फ़ोन किया था, तो वो लोग लगभग 45 मिनट बाद आए थे, फायर ब्रिगेड वगैरह लगभग 45 मिनट लेट आई। वो थोड़ा बहुत में भी हो जाती हैं चीज़ें, ऐसे एकदम ब्लेम नहीं किया जा सकता। नहीं, देखिए एक बात बताइए, आप मीडिया वाले हैं, आपका काम है वीडियो बनाना, अगर मैं फायर ब्रिगेड वाला हूँ तो मेरा काम है बुझाना, बिल्कुल ये तो नहीं मैं जाकर वहाँ पर वीडियो बनाने लगूंगा, ये वहाँ पर हुआ है। ओके, और आप बताएंगे आप कब थे, कहाँ थे? हम क्लास में थे, क्लास करने के बाद जब पता चला सर के माध्यम से तो हम वहाँ पहुँचे, तो वहाँ देखा तो नीचे जो मीटर लगे हुए हैं उसमें आग लगने के कारण धुआं ऊपर तक जा चुका था। ओके, जब आपको लग रहा है कि आग नीचे लगी थी और ऊपर धुआं गया है, जस्ट मे भी मुझे लग रहा है पैनिक ज़्यादा हो गए स्टूडेंट इस वजह से। हाँ, उस धुआं गया तो फिर जब सर ने बच्चे एकदम क्या नाम है कहीं से भी तोड़ के शीशे तोड़ के नीचे उतरने लगे, जब वो पाइप था उसका क्या नाम है AC वाला उससे नीचे उतर, तो कुछ बच्चे नीचे भी गिर गए जिससे उनको चोट आई। ओके, और सबसे पहली बात तो कोचिंग वहाँ पर संस्कृति का ही नहीं चल रहा था, बाकी दो कोचिंग और थी, तीन रूम में वहाँ पर क्लासेस चल रही थी, लगभग 1000 से 1200 बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे थे, एक वहाँ पर लाइब्रेरी थी, और संस्कृति का ऐसा था कि जो बैच था वो भी 12 तारीख को स्टार्ट हुआ था, तो न्यू बैच था, तो उसमें जो फ्रेशर बच्चे थे तो वो उनको यहाँ का इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो वो थोड़ा पैनिक हो गए। न्यू बच्चे होते हैं, ज़्यादा एज भी नहीं होगी तो वो थोड़ा डर जाते हैं। वो मैंने भी दो एडमिशन करवाए थे, उनका मुझे फ़ोन आया कि भैया यहाँ पर ऐसा ऐसा हो गया है, तो मैं तुरंत, मेरा क्लास तो था नहीं, मैं तुरंत वहाँ पर पहुँचा, उसके बाद देखा कि यहाँ पर मतलब नीचे जो फ्लोर था सेकंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर पर आग लगी थी। आग लगने का मुख्य कारण था कि जो लाइट के मीटर होते हैं अपने वो चार पाँच छः सात जो मीटर का ग्रुप था वो एक साथ लगा हुआ था, तो उनमें शॉर्ट सर्किट होने की वजह से पूरा बिल्डिंग का जो है पूरा शॉर्ट सर्किट हो गया और पूरे बिल्डिंग में धुआं हो गया था। बाकी आग इतना तेज नहीं था कि उससे जनहानि होती। हाँ। बाकी वो बच्चे पैनिक होने की वजह से जो बच्चे हैं वो घबरा गए थे। क्लास जहाँ पे चल रहा था वहाँ क्लासरूम के अंदर इस तरीके का, हाँ, क्लासरूम के अंदर इस तरीके की घटना नहीं हुई थी, पूरा बिल्डिंग का सिस्टम जो होता है कह सकते हैं जो नीचे बेसमेंट में मीटर वगैरह, हाँ बिल्कुल, नीचे जो आग लगी थी तो पूरा शॉर्ट सर्किट हुआ ना, तो पूरा जो पूरा वायर वगैरह थी वो पूरा जल गया था, तो उससे धुआं वगैरह स्मोक उत्पन्न हुआ, तो बच्चे उसको देखकर पैनिक हो गए और बच्चों में लगा कि यहाँ पर जो है आग लग गई, और बच्चों की संख्या काफ़ी मात्रा में थी तो बच्चे मतलब निकल नहीं पाए, और फिर बच्चे पैनिक होने के बाद जैसे लड़कियाँ, मेरे हिसाब से लड़कियाँ जो थी वो ज़्यादा पैनिक हो गई थी, और उन्होंने विंडो में से रस्सी पकड़ के नीचे उतरने की कोशिश करी तो वो हाथ फिसलने की वजह से नीचे गिर गई, तो एकमात्र वो बच्ची है जिसके थोड़ी ज़्यादा गंभीर चोट आई थी, तो वो अब खतरे से बाहर है, वो यहीं हॉस्पिटल में एडमिट है। संस्कृति IAS की जो टीम है पूरी वो वहाँ पर उपस्थित है, और संस्कृति IAS की पूरी टीम जो है उनको पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट कर रही है, गार्जियंस को बात कर ली गई है,
है, पैसों में कोई मतलब पैसों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों का एकदम इलाज करवा रही है। तो गार्जियन से मेरी एक राइट, आप लोग भी यहाँ पे हैं जैसे कि देख रहे हैं संस्कृति के ऑफिस में, तो आप भी हॉस्पिटल वगैरह? नहीं, मैं लगभग जहाँ जहाँ चार हॉस्पिटल में हम लोग बच्चे एडमिट थे लोग, मैं चारों में लगभग गया हूँ, लगभग देखा हूँ सब जगह। तो जो कुछ मीडिया जो कैजुअलिटी का बता रहे थे ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि जिनका नाम आ रहा था वो साफ मैंने देखा है, उनसे हम लोगों ने बात किया है, लगभग सब लोग हम लोग सेफ हैं, ऐसी कोई घटना नहीं है यहाँ से कि कोई कैजुअलिटी नहीं। ओके, जैसे कि अभी आप संस्कृति के ऑफिस के पीछे ही है, जैसे इन्होंने बताया कि सारे स्टाफ उनको कोऑपरेट कर रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है कि स्टाफ सच में काम कर रहा है? हाँ, स्टाफ बहुत कोऑपरेट करता है यहाँ का। ये घटना तो मे बी किसी के साथ भी हो सकती है। सुस्तु ट्रामा सेंटर हॉस्पिटल है, वहाँ हम गए थे, चार लोग वहाँ जो है हॉस्पिटलाइज है, दो लड़कियाँ थी, दो लड़के थे, दो लड़कियों में एक लड़की जो है हाथ पे और पैर पे चोट लगा था, सिर पे उसका सही था, सिर्फ ज्यादा चोट नहीं था। एक नाम एमपी की लड़की है, उसके सिर में चोट लगी है और सीटी स्कैन के लिए चारों लोग भेज दिए गए हैं, उनमें से एक की रिपोर्ट आई, वो सब नॉर्मल है और हो सकता है उनकी रिपोर्ट आ गई हो, मैंने कॉल पर बात की थी अभी पहले, तो सारे नॉर्मल है, एक लड़की उसकी स्टोर पर चोट लगी थी, बाकी संस्कृति जो मैनेजमेंट थे वहाँ पर थे, मैं वहीं से आ रहा हूँ अभी, तो वहाँ सब नॉर्मल। क्लास में अभी बात करी है तो अखिल मूर्ति सर क्लास ले रहे थे, तो वो जब तक सबको बाहर नहीं निकाल दिया तब वो लास्ट में बाहर निकले। हाँ, अखिल सर जो थे, अखिल सर को जो है स्टाफ ने बोला था कि सर आप पहले निकल लीजिए, तो अखिल सर ने बोला कि मैं जब तक पूरे बच्चे नहीं जाएंगे जब तक मैं नीचे नहीं जाऊँगा। और अखिल सर के साथ आई थिंक जितना मैं याद कर पा रहा हूँ प्रेमपाल नाम का स्टाफ था, वो सबसे ज़्यादा गंभीर उन्हीं को प्रॉब्लम हुई है, जो उनको स्मोक अंदर गया है, वो सबके बाद में सारे बच्चों को बाहर निकाल के उनके बैग वगैरह उनका सामान बाहर निकालने के बाद बिल्डिंग से नीचे आए थे, वो भी अभी एडमिट है, उनका भी इलाज चल रहा है, तो बिल्कुल सारे बच्चे एकदम परफेक्ट है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और गार्जियन से एक ही मेरी वो रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल पैनिक ना हो, आपके बच्चे नए नए आए हैं, यहाँ पे संस्कृति की टीम उन्हें पूरा सपोर्ट कर रही है, उनके साथ है संस्कृति की टीम और सारे बच्चे उनके साथ है, बिल्कुल भी पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। एम्बुलेंस में संस्कृति का एक स्टाफ बैठा हुआ था जहाँ से उस ट्रामा सेंटर से गए थे, हाँ, एक हर एम्बुलेंस में एक लड़के के साथ संस्कृति स्टाफ है, मतलब पेरेंट्स को घबराए नहीं, सेफ है बच्चे, इनके साथ संस्कृति वाले। यहाँ पर पूरा स्टाफ संस्कृति के, पूरे टीचर, पूरी फैकल्टी यहाँ पर उपस्थित है अभी, सारा एक 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 पॉइंट पॉइंट की एक एक बात की पूरी इनकी नज़र है उसके ऊपर, और पूरा एकदम बच्चों का एकदम इलाज चल रहा है। अब बाकी देखो प्रॉब्लम शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम है, कोई बाहरी प्रॉब्लम नहीं थी, ये कहीं भी घर में भी आजकल हो जाती है। अब बिल्डिंग है, कोचिंग है, वहाँ पर काफ़ी मात्रा में मीटर लगे हुए थे, तो वो इस वजह से थोड़ा नॉर्मल था, पर वो बच्चे पैनिक होने की वजह से ये थोड़ा ज़्यादा जो कूद गए हैं ऊपर से रस्सी के माध्यम से उन्हीं को प्रॉब्लम हुई, उनकी संख्या। दरअसल स्टाफ कह रहा था कि आप ऊपर छत से निकल जाइए, छत से जगह बगल में छत जुड़ी है, तो बच्चे बात नहीं माने हैं, क्योंकि सबको देखिए डर होता है, कभी भी होता है, घबराहट होती है, तो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, समझ नहीं पाते, वही बात है। तो अगर वहाँ से होते तो ये भी शायद किसी को कुछ नहीं होता। हाँ, वो आराम से। दो जूनियर थे मेरे जिन्होंने मुझे फोन किया था कि भैया मेरे हमारे यहाँ पे आग वगैरह लग चुकी है, तो मैं जब आया था तो उनको वो आराम से इतने पैनिक नहीं हुए थे, तो वो ऊपर छत पे से निकल के और दूसरी बिल्डिंग से नीचे आ गए थे, क्योंकि रास्ता था, बस बच्चों का थोड़ा जल्दबाजी में गलती कर बैठे, वो नए बच्चे थे, पैनिक हो गए, उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं था, बस यही एक कारण था कि बच्चों को जिनको चोट आई है उनका यही कारण था कि वो पैनिक हो गए थे, बस कुछ नहीं। बाकी एक चीज़ मैं इसमें कहूँगा, देखिए घटना घटी है, वायरल चीज़ें काफ़ी होंगी, क्योंकि ऐसी यहाँ की कोचिंग है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ज़रूर आएंगी कि आपके यहाँ ये हो गया, आपके यहाँ सिक्योर नहीं, ये नहीं है। मैं सकते हैं कि पॉलिटिक्स नहीं होने चाहिए इन सब मुद्दों पे, नहीं इसमें हो साथ घटना हो सकती है, देखिए आज हमारे यहाँ हुआ है, कल आपके यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं आपकी बिल्डिंग सेफ ही हो, आपकी बिल्डिंग चार पांच नोटिस मिल चुकी होगी, वही बात है, कहीं ऐसा नहीं है, लेकिन आप लोग जो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं वो ना खेलें, क्योंकि बच्चों का भविष्य का सवाल है, लेकिन उन बच्चों को मैं जरूर कहूँगा जो मूर्खता कर रहे हैं, जो उन लोगों की बातों को सुनकर अपने, एक देखिए स्टूडेंट का क्या है, आपको पढ़ना अधिकारी बनना है, टीचर को अपना पढ़ाना है, टीचर तो अपने फायदे के लिए सोचेगा ना, हम बच्चों को बहका के कुछ और करवा के अपने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लेके आएँ, तो इस सब चीज़ों से थोड़ा बचे, एक चीज़ का सावधानी बरतें कि जो वायरल चीज़ें हो रही हैं सच देखिए, झूठा ना देखिए। ओके, सो ओवरऑल फ्रेंड्स अभी ये समझ में आ रहा है कि एक शॉर्ट सर्किट हुआ जो कि बिल्डिंग के जस्ट नीचे ही था, सो ऐसा कुछ क्लासरूम में नहीं हुआ जहाँ पे स्टूडेंट्स थे, और वो धुआं वगैरह ज़्यादा हुआ तो वो ऊपर तक पहुँच गया, जिससे स्टूडेंट्स को लगा कि ज़्यादा आग लग गई है नीचे, सो दैट कि नीचे जाने का रास्ता नहीं था, सो वो लोग कुछ आपने वीडियोस वगैरह में देखा होगा कि वो रस्सी के थ्रू आ रहे, तो उन्हीं लोगों को जो आपने वीडियो में देखा उन्हीं लोगों को चोट लगी है ना, उसके अलावा किसी को भी ज़्यादा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं। साथ ही साथ जो एक बहुत अच्छी बात रही है कि सर लास्ट तक क्लासरूम में रहे हैं अखिल मूर्ति सर, सो इससे ये चीज़ हॉस्पिटल में, अभी सर हॉस्पिटल में सबसे लास्ट में था, धुआं अंदर चला गया उनके, फिर वो बेहोश हो गए, हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए, नीचे आए थे उसके बाद वो उनका भी इलाज चल रहा है। ओके, सो फ्रेंड्स आपने देखा कि ओवरऑल इन लोगों ने एक्सपीरियंस
बताया जो भी उन्होंने देखा, क्लियरिटी दी है मुद्दे पर। सो ऐसा कुछ प्रॉब्लम वाली ज़्यादा इधर पे बात हुई नहीं है, और ऐसा आप भी मत सोचे कि कोचिंग्स वगैरह की गलती है, या फिर ऑलमोस्ट सारे कोचिंग्स सेमी बिल्डिंग्स में चल रहे होते हैं। सो ये किसी के भी साथ हो सकता है, जस्ट प्रॉब्लम आज ये हुआ कि वहाँ पर सिर्फ एक ही क्लास था, इससे और ये रहा कि ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे, नहीं तो और प्रॉब्लम भगदड़ मच सकती थी। बिल्कुल भगदड़ मच सकती थी, और बच्चे कम, नया बेस था पहली बात तो, कि वो 12 तारीख को अभी स्टार्ट हुआ था नया बेस था, तो उसमें बच्चे भी कम थे, कुछ बच्चे डेमो लेने वाले थे और नई नई क्लास थी, तो बच्चे अब उसमें संख्या बढ़ती तो वो ऐसा कुछ ज़्यादा बच्चे थे नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि बिल्कुल भी जनहानि नहीं हुई है, एक भी बच्चे का ऐसा, जैसे मीडिया पे, सोशल मीडिया पे अफवाह फैलाई जा रही है कि दो बच्चों की डेथ हो गई थी, बिल्कुल दो बच्चों की डेथ नहीं हुई है। दोनों बच्चों यहाँ पर न्यू लाइफ हॉस्पिटल है जीटीबी नगर पे, वहाँ पर एडमिट है, दोनों एकदम आउट ऑफ डेंजर है, बिल्कुल किसी की बात की प्रॉब्लम नहीं है। और हर गार्जियन से यही रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल पैनिक ना हो, यहाँ पर बिल्कुल सेफ है। और जो बच्चे, कुछ बच्चे जो है कि कोचिंग बंद होनी चाहिए इसके खिलाफ जो आवाज़ उठा रहे हैं कोचिंगों को बंद कर दो, तो वो ये कि बच्चों का भविष्य ही कोचिंग, हाँ बच्चों का भविष्य है, ये हमारा भविष्य है, अगर कोचिंग बंद हो जाएगी तो फिर हम कहाँ पे पढ़ेंगे, और वो जो बच्चे जो आवाज़ उठा रहे हैं वो भी कहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये बच्चों को बंद, ये कोचिंगों को बंद करना ये बिल्कुल तार्किक बात नहीं है, ये हो जाता है, घटनाएँ प्रकृति के हैं। आजकल तो भूकंप तूफान आप देख लो गुजरात में क्या हो रहा है, तो पहले से कोई अनुमान नहीं लगा सकते कि क्या हो सकता है। बस यही था कि बच्चे पैनिक हो गए थे, थोड़ा सा ये था कि निकलने का थोड़ा प्रॉब्लम था, तो कोचिंग वालों को इस बात पर थोड़ा फोकस करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्राउड एकदम बाहर आता है। बस कोचिंग वालों को एक बात पर ध्यान देना चाहिए कि एग्जिट उनको रखना चाहिए बाद में, अगर इमरजेंसी में एग्जिट का रखना चाहिए था, तो वो थोड़ा आई थिंक मेरे को लगता है कि वो नहीं था, वो हर बिल्डिंग ही ऐसे बने हुए हैं मुखर्जी नगर, तो सारे कोचिंग वालों को सारी एक्स वाई जेड सारी जितनी भी कोचिंग है उनका यही हालत है, जो भी अगर ऐसे रेंटल बिल्डिंग में चल रही है, जिसका पर्सनल बिल्डिंग है उसमें हो सकता है सिक्योरिटी के ठीक ठाक इंतजाम हो, पर रेंटल, हाँ रेंटल बिल्डिंग में कोई भी ऐसा नहीं है। सारे बिल्डिंगों में यहाँ सुधार करने की जरूरत है, जितनी कोचिंग है जहाँ ज़्यादा स्टूडेंट रहते हैं वहाँ इजी टू एंट्री के लिए ज़्यादा गेट होने चाहिए, ताकि कोई भी मतलब दिक्कत हो तो सारे लोग इकट्ठे भाग जाए, जो है कोई दिक्कत नहीं।